नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। 10 फरवरी को चीन के रक्षा प्रवक्ता बू कियान ने कहा कि लद्दाख सीमा पर पेंगोंग झील पर से चीनी सेना पीछे हटना शुरू हो गई है। 11 फरवरी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि पेंगोंग झील से दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बन गई है। अब पेंगोंग झील के दक्षिण और उत्तर किनारे पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल होगी, यानी चीन को फिंगर 8 से पीछे जाना होगा और भारतीय सेना को भी फिंगर 3 से पीछे हटना होगा। चीन के सैन्य इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर होगा जब किसी जमीन को कब्जाने के बाद पीछे हटना पड़ा होगा। असल में चीन को यह आभास नहीं था कि लद्दाख सीमा पर बनी पेंगोंग झील पर जब वह कब्जा करेगा तो भारत इसका इतना कड़ा जवाब देगा। चीन तो भारत की सेना को 1962 वाली सेना की समझता रहा। यह सही है कि पेंगोंग झील पर अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए हमारे 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन हमारी इस शहादत की कीमत हमारे जवानों ने चीन पर हमला कर वसूली। जो पेंगोंग झील सैन्य युक्त मानी जाती थी उस पर भारतीय सेना भी काबिज हो गई। चीन ने बहुत कोशिश की कि भारतीय सेना फिंगर 3 से पीछे चली जाए, लेकिन इसे हमारे जवानों की दिलेरी ही कहा जाएगा कि चीन के सामने सीना तान कर हमारे जवान खड़े हो गए। चीन के साथ जब राजनीतिक और सैन्य स्तर पर वार्ताएं हो रही थी, तभी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेंगोंग झील पर चीन की कार्यवाही का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल का बार बार कहना कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब मुक्त करवाएंगे। हालांकि भारतीय सेना ने यह कभी नहीं स्वीकार किया कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन राहुल गांधी के बयानों से भारतीय सेना को भी परेशानी हुई। सब जानते हैं कि चीन में तानाशाही है और वहां कोई भी राजनेता या चीनी नागरिक राहुल गांधी की तरह बयान नहीं दे सकता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो कहेंगे वह ही माना जाएगा। चीन में किसी को भी बोलने की आजादी नहीं है, लेकिन भारत में पेंगोंग झील को लेकर विपक्षी दलों ने जिस प्रकार बयानबाजी की उसे किसी भी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता। इसे भारत की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी कि चीन जैसे शक्तिशाली देश को पीछे हटना पड़ा है। चीन को पीछे ढकेलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। राहुल गांधी जैसे नेता जब पेंगोंग झील पर चीन के कब्जे की बात करते हैं तब उन्हें झील की स्थिति का भी ख्याल रखना चाहिए। सैन्य रही झील की भूमि पर घुसने की पहल चीन ने की। चीन की सेना विश्वासघात कर फिंगर 8 तक आ गई। चीन की सेना को हटाने के लिए सैन्य और कूटनीति का सहारा लिया गया और अब चीनी सेना पीछे हट रही है। अब देश की विपक्षी पार्टियों के नेता श्रेय दें या नहीं, लेकिन दुनिया भर में भारत की ताकत का डंका बज रहा है। भारत ने जता दिया कि वह चीन जैसे शक्तिशाली देश को भी पीछे ढकेलने की ताकत रखता है। इसे पाकिस्तान को भी सबक ले लेना चाहिए कि जब हम चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकते हैं तब पाकिस्तान की सेना की तो बिसात ही क्या है। चीन के मामले में भी भारत ने पूर्व की स्थिति को बहाल कराया है। पदम को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भूमि तथा कथित चीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा भारतीय भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है।
हम अपनी एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.